मैं तो कहता हूं ना, मुक्त व्यक्ति भक्त हो सकता है, मुक्त, जिसे अब कुछ और नहीं चाहिए, जो शीश तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। इतना परिश्रम मैं करता हूं, फिर भी दो चार महापुरुष तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बैठे रहते। दया आती है मुझे, जल बिच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवत हंसी। और ये और समझते हैं आप कि आप बड़े आदमी हैं, ये और समझते हैं कि बड़े आदमी हैं, हम कैसे ताली बजाएं? मत बजाइए, फिर कभी कोई आप पर बजाएगा, कभी कोई आप पर बजाएगा, मत बजाइए। और मैं तो कह रहा हूं बाप, बुरा मानिएगा इस बात का, जरूर मानिएगा। मेरे डोंगरे बापा कहते थे, जो कृष्ण के सन्मुख नृत्य करे उसे माया नहीं नचाती, उसे माया नहीं नचाती जो कृष्ण के सन्मुख नृत्य करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुदि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहां कहां तक आपने प्रयास किया है, थोड़ी सी मेरी बात मान लीजिए और फिर गाइएगा। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी, सुख पाया। माना कि अंधेरा घना है, श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसलिए मैंने निवेदन किया, आप बार बार चूकेंगे, बार बार भूल जाएंगे, पथ भटक सकते हैं आप, गिर सकते हैं आप। पर मैंने आप ही को कथा सुनाई थी ना, वो गिरिराज जी वाले बाबा बेचारे रुग्ण हो गए, रोज परिक्रमा लगाते हैं, गिर जाते हैं, श्री कृष्ण आते हैं उठाने के लिए। और एक दिन तो श्री कृष्ण को कहना पड़ा, बोले बाबा ना तो तू आराम करेगो और ना मुए करने देगो। और बाबा ने उत्तर दिया, बोले लाला तू का समझे कि मैं तो पहचानो नहीं, मैं तो पहले ही दिन पहचान लियो कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही। आपके अतिरिक्त मेरी संभाल करने वाला और कौन हो सकता है, मैंने तो पहले ही दिन आपको पहचान लिया था। तो ठाकुर जी बोले, फिर क्यों आज चले आते हो रोज गिरने के लिए? बोले क्योंकि उठाने वाला तू है, इसलिए गिरने चला आता हूं। मेरे रोने पे तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो तुमको हंसाया कर। मुझसे कभी कोई पूछता है कि क्या आपने उन्हें देखा है, ऐसे पूछ लेते हैं लोग, आपने देखा है? अभी तो मुझे यही उत्तर देना है कि मिलने की घड़ी जब आएगी तब आएगी, जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा, पर अभी तो मुझे इसी में परमानंद है, सच्चिदानंद है, चिदानंद है, इसी में आपके साथ मिलकर बैठकर तुझको पुकार रहे। दोनों हाथ प्रेम से,
दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जो के सारिया, ब्रज के नंदलाला राधा जो के सामरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख जब तेरा नाम, जब तेरा नाम, जब तेरा नाम। ठीक प्रकार से आरंभ किया हुआ नाम का जप आपको निश्चित रूप से रूप के प्रकाश की ओर लेकर ही जाएगा। कल विराम के क्षणों में मैंने निवेदन किया था कि एक रूप की कल्पना है, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, वो भी सरस है, पर एक रूप की भावना है जो नाम की कृपा से संभव होती है। नाम सर्वप्रथम क्या करेगा? सर्वप्रथम संतप्त चित्त को शीतलता प्रदान करेगा। सबसे पहले मन को जो रोग हुआ है कामना का, वासना का, सबसे पहले नाम उसे औषधि प्रदान करेगा। सबसे पहले नाम रोग दूर करेगा। आप कहते हैं ना, नाम जपते क्यों आनंद नहीं आता, नाम जपते ही क्यों सुखानुभूति नहीं होती? क्योंकि मन चित्त रोगी है, पीड़ा है उसे, वो कामना की पीड़ा से संतप्त है। जब तक पीड़ा का शमन ना हो जाए, जब तक पीड़ा निवारण ना निवृत्त ना हो जाए, तब तक स्मरण का आनंद कैसे आए? तो पहले नाम आपको स्वस्थ करेगा। अब जितना पुराना आपका रोग है उतना समय आपको लग सकता है स्वस्थ होने में। समर्थ गुरु हो और समर्पित शिष्य हो तो एक ही क्षण में भी प्रकाश होता है, एक ही क्षण में उपलब्धि हो जाती। जैसे बुझे हुए दीपक से जलते हुए दीपक का संसर्ग हो जाए तो एक ही क्षण में दोनों जलते हुए दीपक हो जाते हैं, दोनों में स्वरूपतः कोई भेद नहीं रह जाता। और वैसे भी गुरु गुरु ही रहे, चेला चेला ही रहे, ये तो हम लोगों की बदमाशी है। हाँ, ये तो हमारी बदमाशी है। हम चाहते हैं, जैसे आजकल डॉक्टर क्या करते हैं कि वो मतलब दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें 5-6 महीने तो दवाई खाइए कम से कम, 2-4 बार तो हमारे पास में आइए, एक ही बार में कैसे ठीक कर दें आपको। तो ऐसे ही चेला चेला ही रहे, गुरुजी गुरुजी रहे, ये हमारी बदमाशी। आते ही पहले ऐसा डरा देंगे, धमका देंगे उसको कि बस अब तो गुरुजी हमें बना लिया, अब कहीं और मत चले जाना। स्वर्ग नरक तो गुरुजी की जेब में ही रहता है, जब जिसे चाहे पहुंचा दे, वो तो हमारे ही पास में है। मैं फिर कहूंगा बाप, सावधान रहना। जैसे अपने 2-5 रुपया खर्च करते हुए सावधान रहते हो ना, 10 रुपया किसी को देते समय बहुत विचार करते हो कि अच्छी जगह जा रहा है कि नहीं, बिकॉज दिस इज अ हार्ड अर्न्ड मनी। आपको लगता है ना ठीक जा भी रहा है कि नहीं, पता नहीं इसका सदुपयोग होगा कि नहीं। बट दिस इज द आयरनी, यू डोंट थिंक when you spend that money on such high and branded things, किसी सत्कर्म में आपको लगाना हो तो आप फिर बहुत विचार करते हैं कि पता नहीं दें कि नहीं दें, ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे आपने दिया ना, आपका देना अंकित हो गया काल के क्रम में, हिसाब किताब उसे रखने दीजिए। फिकर करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर फिकर करेगा आप। जो भी सत्कर्म आपने किया है प्रभु को निमित्त करके करते चलिए, प्रकृति आपको उत्तर देगी। और कौन सा जिसे आपने दिया, और ये तो बड़ी मूढ़ता है, ये तो बड़ी मूर्खता है कि जिसे आप दे रहे हैं आप चाहें कि वही आपको दे। अरे वो तो बेचारा स्वयं अभावग्रस्त है, आपको क्या देगा? वो तो बेचारा स्वयं अभावग्रस्त, जिसे आपसे अपेक्षा है प्रेम की, जिसे आपसे अपेक्षा है सम्मान की, जिसे आपसे अपेक्षा है सुरक्षा की, वो आपको क्या प्रेम और सम्मान देगा? वो तो स्वयं अभावग्रस्त है।
This is the art of living. The art of giving is the art of living. देते चले जाइए, जो है बांटते चले जाइए और पाते चले जाइए. एक आवाज आई जो थोड़ी आसपास थी, हार्ड अर्न्ड मनी. वहां तो आपका मन रहता ही है, कौन खबड़ी बात है, वहां तो आप रहते ही हैं. मैं पूछूं तो भी रहते हैं, नहीं पूछूं तो भी रहते हैं. मैं ये कह रहा था कि जैसे 2-5 रुपया खर्च करते हुए सावधान रहते हैं ना, ऐसे जन्म जन्मांतरों से बहुत सावधान होकर सुनिएगा. ऐसे ही जो थोड़ा बहुत आधा अधूरा श्रद्धा और विश्वास है, ये भी जन्मों का संचित प्रयास है. अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते. भगवान की ओर आकर्षण जन्मों के पुण्य के पश्चात होता है. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. श्री कृष्ण की वाणी है. तो जन्मों से आपने श्रद्धा और विश्वास भी अर्जित किया है. कहीं भी मत लगा देना उसे, वो बड़ी अमूल्य संपत्ति है. भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति. उसी से भगवान कभी अनुभव में आएंगे, देखे जाएंगे उन नेत्रों से. उस ऊर्जा का संचय करके रखिए, उस ऊर्जा को संजो कर रखिए. कहीं भी मत लगा दीजिए, संसार की किसी क्षुद्र कामना की पूर्ति के लिए मत दे दीजिए अपना श्रद्धा और विश्वास. विश्वास रखिए जो आपका है वो आपको खोजता हुआ आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है. जो जो भाग्य से प्रारब्ध से लक्ष्मी पुत्र होकर आता है, वो जीवन भर लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, वो जीवन भर लक्ष्मी का उपभोग करता है, कहां कहां वो धनहीन हो जाता है. उसका प्रारब्ध है, रहेगा, जब तक है तब तक रहेगा. और हमसे सावधान रहिएगा, हमसे. पहले भी मैंने कहा था, इन मजहबी अमीरजादों से मत मिलाकर अमीर, इन मजहबी अमीरजादों से मत मिलाकर अमीर. हम भी गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से, हमने भी ये मनुष्य का जन्म इन्हीं के छलावे में खोया है. मत खोइएगा. मेरा सदा संदेश है व्यासपीठ से, आज के समय में भगवान के नाम से अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है. हरेर नामैव केवलम, नाम का आश्रय लीजिएगा और विश्वास रखिएगा. मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे बांट रहा हूं, सीधे सीधे नाम जपते चलिएगा. गुरु खोजता हुआ आपके द्वार तक नहीं आए तो मुझे कहिएगा, वो भेजेगा और वो आएगा. एक क्षण के लिए भी अधिकारी व्यक्ति को यहां वंचित नहीं रखा जाता. आग में जो जल जाए वो झेर नहीं होता, और अपनी ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता. और भरोसा रख, दरबारे इलाही का बंदे, यहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता. एक क्षण के लिए भी आपको वंचित नहीं रखा जाएगा यदि आप अधिकारी हो गए तो. और अधिकार अर्जित करने की एकमात्र युक्ति है श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की बिनसे चिन. अपनी ओछी बुद्धि से गुरुजनों का आकलन मत करिए, उन्हें अंक मत दीजिए. 10 में से 8 है इनके पास, तो चलो इन्हीं को गुरु बना लेते हैं. अच्छा, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया कि गुरु बनाने वाला गुरु होता है या बनने वाला. कायदे से तो बनाने वाला ही गुरु हुआ. जिसने आपको गुरु बनाया वो तो आपका गुरु है, तभी बना दिया उसने आपको. इसलिए मेरे पास दीक्षा के जो निवेदन पत्र आते हैं ना, वैसे मैं कभी कहता नहीं, आज कह ही देता हूं. मेरे पास जितने भी दीक्षा के निवेदन पत्र आते हैं उसमें जो व्यक्ति ये लिखता है आपको गुरु बनाना है, उसे तो मैं फर्स्ट नोट पर रिजेक्ट कर देता हूं. मत बनाइए, मत खोजिए, ये वृथा परिश्रम है. केवल नाम का आश्रय ले लीजिए. मीरा जी के जीवन में ये बड़ी सुंदर घटना घटी. महल में कथा हो रही थी, रामचरितमानस का पारायण हो रहा था.
रामचरितमानस उसी समय प्रकट हुई थी और तुलसी की मानस की पंक्तियां गाई जा रही थी। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। मीरा जी ने सुना, चिंता हो गई कि इसका मतलब गुरु के बिना तो श्री कृष्ण के निकट पहुंचा ही नहीं जा सकता, अब मैं कहां गुरु खोजने के लिए जाऊं। अस्थिर जीवन है, कल रहूं न रहूं, कहीं मनुष्य का जीवन व्यर्थ न चला जाए। अब भक्त की दौड़ कहां तक होती है भगवान के चरणों तक। अपने गिरधर गोपाल के चरण कमल पकड़े और अश्रुओं से पाद प्रक्षालन कर दिया मीरा ने कि मैं कहां जाऊं, अब किसे ढूंढने के लिए जाऊं। अब मेरे लिए तो ये व्यवस्था तुम्हें ही करनी होगी, अब तुम ही कोई व्यवस्था करो मेरे लिए, मैं तो खोजने नहीं जा सकती। कुछ कृपा मुझ पर ऐसी करो कि कोई गुरु मुझे खोजता हुआ आ जाए। तो अंतर्यामी ने उत्तर दे दिया कि ठीक है, कल जो प्रथम संत दर्शन करो उसे ही अपना सर्वस्व जान लेना, समझना मैंने ही भेजा है। अब रात भर नींद नहीं आई मीरा जी को, और वही हुआ। अभी उठी थी, अपने गिरधर गोपाल को जगाने का उपक्रम कर रही थी, मंगला की सेवा करने का उपक्रम कर रही थी, और दासी ने आकर दौड़कर सूचना दी कि भाई साहब पधारो, काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारा छे। और अभी मीरा जी ने जगाया ही था गिरधर गोपाल को और सुध नहीं रही, ऐसे लगा कि जैसे गिरधर गोपाल ने जो संकेत किया था वो मूर्तिमान होकर मेरे सन्मुख आ गया है। दौड़ कर गई, ठीक से सिर भी नहीं ढका। और कथा कहती है कि जब राव दूदा के कक्ष में रैदास जी विराजमान थे, जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा ऐसे सुशोभित हो रहे थे, दहली से ठोकर लगी मीरा को, दौड़ती हुई जा रही थी वो नन्ही सी बालिका, दहली से ठोकर लगी, गिरी, रैदास जी के चरणों में जाकर माथा लगा। और बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। मीरा कहती है, गिरी तो कुछ और थी और उठी तो कुछ और हो गई। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मन, जन्म जन्म का सोया मन, सतगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु ऐसे प्रीत लगी मोहन से, जो सोने में सुहागा, कोई कछु कहे मीरा के प्रभु गिरिधर नाग, भाग हमारा जागा, कोई कछु मन लागा, कोई कछु। ये प्रार्थना तो केवल प्रभु के चरणों में करिए, निश्चित रूप से गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु इस मार्ग में विवशता है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता माने जरूरत, जरूरत तो कहीं से भी पूरी होती है, गुरु कोई जरूरत नहीं है, गुरु विवशता है। इस पार से उस पार आपको जाना है तो ये द्वार आपकी विवशता है, यहीं से होकर जाएंगे आप, ऐसी गुरु विवशता है, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति कहीं से भी होती है, पर गुरु का स्थान केवल गुरु ही ले सकता है और कोई नहीं, भगवान भी नहीं। इसलिए ये विनती, ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में करिए। जो मैं आपको विगत 3 दिनों से निवेदन कर रहा हूं, ये आप जो भी करें दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ करेक्ट नोट, और करेक्ट नोट बिना गुरु के हो ही नहीं सकता, बिना गुरु की कृपा के यात्रा का शुभ आरंभ हो ही नहीं सकता।
energy is needed to push you on the spiritual path. We because we are not used to of this periphery, of this realm, of this track. We are not used to. आपको और मुझे अभ्यास नहीं है इस पथ का. जैसे आपने कभी तैरना सीखा हो तो पहले आपको कुछ उपकरण दिया जाता है कि उसकी सहायता से आप तैरना सीखते हैं. जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल के दोनों ओर कुछ रहता है जिससे आप गिरे नहीं. फिर जब आप सीख जाते हैं तो उसे हटा दिया जाता है. ऐसे जब आप अध्यात्म के पथ पर जब आप चलना आरंभ करेंगे, पहले पहल आपको गुरु की कृपा की, उसकी शक्ति की, उसके बल की आवश्यकता पड़ेगी. फिर जब आप अभ्यस्त हो जाएं, जब दीपक से जल के दीपक एक समान हो जाए, फिर बात कुछ और है. फिर पहले आपको आवश्यकता है. और मैंने एक नहीं अनेक लोगों के जीवन में देखा है, उनके जीवन में सत्कर्म भी हैं, उनके जीवन में पुण्य प्रकल्प भी हैं, उनके जीवन में स्मरण भी है, और तो और उनके जीवन में भगवत सेवा भी है, लेकिन उनके जीवन में भगवत प्रेम नहीं है. उनकी आंख अभी सब में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती. वो ये नहीं कह सकते कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत. वो ये नहीं कह सकते मैं अपना मन हरि सो जोर, हरि सो जोर सबन सो तोर. मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी से बुल्ले शाह एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता. फट अर्थात फटा हुआ वस्त्र. जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता ते फिर एवें फेरिए माला तू कख नहीं कीता. दीनन देख घिनात जे और नहीं दीनन सो काम. रहीम कहते हैं, नेत्रों में अश्रु भर के कहते हैं, दीनन देख घिनात जे. दीन को देखकर आपको घृणा होती है, उसको आप दुत्कार देते हैं. दीनन देख घिनात जे नहीं दीनन सो काम, कहा जान के लेते हैं दीन बंधु को नाम. आपके द्वार पर जो दीन आया है ना, क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं मैं, आपके द्वार पर जो दीन आया है उसमें और आप में तो केवल धन का भेद है और कुछ नहीं. ये तो वो संसार है जहां मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी, कर्म की गति न्यारी. कौन बड़ी बात है. कल भी जब मैंने सुनाया था कि जब अकबर ने पूछा कि खुदा करता क्या है, तो बीरबल के पुत्र ने यही उत्तर दिया कि नित नए नक्श बनाता है, मिटा देता है, यही करता है. किसी ने कहा है कि नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो. कभी हीरे को कर देते हो मिट्टी की कणी, कभी मिट्टी को कर देते हो हीरे की कणी, और कभी हीरे को मिट्टी में मिला देते हो. और घर से जो निकले उम्मीद दीद लेके कोई, घर से जो निकले उम्मीद दीद लेके कोई, उसको रस्ते में मजनू किसी लैला का बना देते हो. जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो. करता तो वो ये है, उमा दारू जो शित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई. सो दीनन देख घिनात जे नहीं दीनन सो काम, कहा जान के लेत हैं दीन बंधु को नाम. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे. सकल लोक मा कौने बंदे निंदा ना करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे
धन धन जननी तेरी। भक्त कहला लेने में क्या लगता है बाप, कुछ भी तो नहीं लगता। और क्षमा करना, हम तो उस सभ्य समाज के लोग हैं कि दे दीजिए किसी कार्यक्रम किसी आयोजन में 2-5 लाख रुपए का चंदा, आप हो जाएंगे गौ भक्त प्रभु भक्त और समाज सेवी। कौन बड़ी बात है, खरीदा जाता है सम्मान, यहां पर खरीद लीजिए। पर विचार करिए, एक शायर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, ध्यान रखना। वो अपने अपने साहिब से कहता है कि मेरा ध्यान रखना, इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाह नाज, इसे तासीर मोहब्बत कहूं या निगाह नाज, लोग लेते हैं मेरा नाम तेरे नाम के साथ। गोस्वामी जी और श्री रघुनाथ जी की बड़ी सुंदर वार्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। बोले प्रभु, ये मेरा मन, ये आपका मंदिर, और यहां बहुत चोर आकर बस गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो प्रभु हंसकर पूछते हैं कि यदि घर मेरा है तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं, फिर चिंता भी मैं ही करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कहने को दे देते हैं पर देने को नहीं देते, कई बार हम कहने भर को दे देते हैं पर देने को नहीं देते, कहने को देते हैं। देने के बाद भी आप झांकते रहते हैं, कहां है हमारी वस्तु। वो बंधा हुआ दान है, भगवान स्वीकार नहीं करते। देने के बाद भी आप झांकते रहते हैं, कहां है हमारी वस्तु। आपके नाम का पत्थर लगा कि नहीं लगा, आपका नाम कोई जानता भी है कि नहीं जानता। बड़ी गजब की बात, डोंगरे बापा कहते थे, आपने शुभ कर्म किया और आपने उसे यहीं पर प्रकट कर दिया तो आपका पुण्य संचित नहीं होगा, आपने खर्च कर दिया। मौन रहिए, सत्कर्म करिए पर मौन रहिए। यदि आप यश चाहते हैं, यश संसार से मांगे नहीं मिलता, यश भगवान के दिए मिलता है। जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। यश अपने मांगे नहीं मिलता, यश संसार के दिए भी नहीं मिलता, जिसे तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। यश तो उसी का है। देखो, प्रसिद्ध होना एक बात है, प्रसिद्ध होना एक बात है, यशस्वी होना दूसरी बात है। यश भगवान देते हैं तो मिलता है, यश प्रकृति देती है तो मिलता है, जब प्रकृति आपके अनुकूल होती है। और एक सीधा साधा कायदा है शास्त्र का, जो तपस्वी है वो तेजस्वी होगा और जो तेजस्वी है वो यशस्वी होगा। इसलिए पुण्य करिए पर संचय करिए उसका, मौन रहिए, पुण्य का प्रदर्शन मत करिए। छोटा सा कार्य आपने किया, सारे संसार में गा रहे हैं आप, ओछी बात है ये ओछी चेष्टा है। अरे देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। दिनकर साहब की 4 पंक्तियां मुझे बड़ी आत्मा से प्रिय हैं। 2 रोटी दिया तुमने किसी को, तो दिनकर कहता है अपने मन से, दिनकर साहब ने किसी को 2 रोटी दी और मन कहने लगा अरे आज तो एक भूखे को खिलाया, और दिनकर का मन कहता है अरे इस रोटी के पीछे आटा है दूध सा, और उस आटे के पीछे चक्की की तान है। इस रोटी के पीछे आटा है दूध सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, और गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। कहां से आया आपके मन में शुभ कर्म का संकल्प, कहीं किसी की कृपा दृष्टि पड़ी होगी, कहीं प्रभु ने आपका स्मरण किया होगा, आपको माध्यम बना दिया। मौन रहिए ना, क्यों प्रदर्शन करते हैं अपने पुण्य कर्मों का, ये ओछा व्यापार है, पतन की ओर ले जाता है जीवन को। अब चलते चलते कहां आ गए,